जय हिंद दोस्तों। और आज हम आए हैं हमारे जिला सवाई माधोपुर बजरिया से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर नींदड़दा गांव। और यहां पर हमने देखा है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और विकास जी ने मेरे को टेलीफोन किया, आपने क्या था इन्होंने मेरे को टेलीफोन किया और इन्होंने मेरे को इन्होंने बताया कि यहाँ पर सांप है, तो हम यहाँ पर आए हैं। और आज 21 जून 2022 और हम सेवा दे रहे हैं और आपको दिखाते हैं नई जानकारी के साथ नए सफ़र पे। तो देखिए आप दिखाते हैं, ये नाड़ के नीचे की बुखारी है और बुखारी में यहाँ पर सांप बैठा हुआ है और हम आपको दिखाएंगे। सांप बड़ा बेहतरीन सांप है और हमने उसको देख भी लिया है, बेहतरीन सांप, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और हम आपको दिखा रहे हैं और वो कोने में चले गया है। और अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे ये आपको दिखाते हैं। इसके रेस्क्यू, बहुत ही प्यारा सांप है और हम चाहते हैं कि ये सांप बड़े आराम से हमारी गिरफ्त में आ जाए। बहुत सुंदर सांप है और ठीक है, इधर दिखा, सुंदर, देखो चलो आगे, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। चालू करो इसको, चालू आपने वीडियो चालू कर, क्योंकि ये क्या है, वाइब्रेशन पकड़ता है, ध्वनि तरंगे जो अपन आवाज करते हैं ना, वो वायु तरंगे, रेडिएशन तरंगे, ये पकड़ता है ये और उससे ये जल्दी गुस्सा हो जाता है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ऐसे ऐसे जीव तो बहुत कम यार, आपके नींदड़दा में तो बहुत ही निकलते हैं यार ऐसे। हाँ, नींदड़दा से बहुत लव करते हैं ये, बहुत ज्यादा पकड़ने में आता हूँ, अधिकांश खाता रहता हूँ। वेरी नाइस, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग। बता जाओ अपने चैनल नंबर सब कुछ। और कविता को बता दे, बुला लो इनको, काय जिए को ना जिए का काम जी भी। अटी ले ले, थोड़ा हम ले लो, बड़ा मत, बड़ा मत, ये बड़ा एफ मिलेगा ना, मिलेगा यार। देख एक बैग में बढ़िया फोटो, बहुत सुंदर, देखो ना आप, इसको गुस्सा आ रहा है जो, इनको पसंद नहीं है इनके कोई हाथ लगाए। सही बात, ये हमारी मजबूरी है कि इनको पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि आपके घर के अंदर आके बैठ गया, नहीं तो हम भी कभी भी इनको परेशान नहीं करते हैं क्योंकि जीव जंतु हैं, ऊपर वाले ने इनको बनाया है तो जीने का अधिकार इनको भी है। और आपको मैं से धन्यवाद दूंगा विनम्रता के साथ में, हमारी पूरी टीम की तरफ से,
और हमारे चैनल स्नेक कैचर रणथंबोर सवाई माधोपुर की तरफ से, पूरे वन विभाग की तरफ से, पूरे पर्यावरण की तरफ से कि आपने इस जीव को बचाए रखा, नहीं तो अधिकांश लोग बात देखते मार देते हैं। बाकी निंद्रदा में तो ये बात खूबी है, एक तो निंद्रदा और एक मुई, दोनों गाड़ियों तो यार मारना बंद ही कर दिया एक तरह से। मेरे को बुलाते हैं सर, देखो ये तो मैं इसका साक्षी हूँ। नहीं नहीं मारना नहीं चाहिए, कभी जीव जंतु है तो आ जाते हैं, देखो भूले भटके। और ये किसानों के बात बताऊँ, किसानों के मित्र है क्योंकि ये चूहों की आबादी को नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों हम इसको लेके चलते हैं, ये जीव यहाँ पर आ गया है और इनके ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, भोले भाले होते हैं, सीधे साधे किसान हमारे देश के अन्नदाता है और इनके घर के अंदर आ गया है और हमने इसको विश्वास में ले लिया है और हम इसको लेके चलते हैं और इसको रणथंबोर के अभ्यारण्य में छोड़ देंगे, इससे आगे का जीवन जिएगा और इनका भी डर दूर होगा। तो लेके चले हम इसको। नागराज चले क्या? तो चलते हैं दोस्तों इसको लेके। नागराज तो यही रहेगा। पार किया पार्ट कर इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं, हमने ग्राम निंदरदा से इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। ये पंचायत कौन सी लगती है इसकी? ग्राम पंचायत निंदरदा। ग्राम पंचायत भी निंदरदा ही लगती है और हम इसको लेके चलते हैं और वीडियो में बने रहें, इसकी रिलीजिंग दिखाते हैं। हम मिलते हैं फिर जंगल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। सभी देखने आए हुए हैं ये सब सांप को। कैसा लगा भाई सांप? बढ़िया लगा। अच्छा चलो ठीक है, इनका डाल देंगे ना बीच में। आप लोगों के सानिध्य में पकड़ा है मैंने और इसको रणथंबोर के जंगल में छोड़ देंगे। खुश हो ना आप लोग सब? दोस्तों हम आ गए हैं जंगल रणथंबोर अभ्यारण टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और साथ में लेके आए हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जो अभी हमने आधा घंटे पहले, आधा घंटा तो नहीं हुआ, 21 मिनट पहले हमने नींदरदा से पकड़ा था उसको और बड़ी विकट परिस्थिति में था, नाड़ के नीचे जो बुखारी होती है उसके अंदर था और हमने वहाँ से उसको कुशलतापूर्वक रेस्क्यू किया और ले आए हैं जंगल और इसको हम आज़ादी दे देते हैं और छोड़ देते हैं इसके माहौल में। और मेरे साथ में आए हैं निर्मल जी, जो आज मेरे साथ रेस्क्यू में भी गए हैं और रिलीजिंग में भी आए हैं, तो हम दिखाते हैं आपको नाग की रिलीजिंग। दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और फन फुला के बैठा हुआ है और देखो आप, और हम इसको छोड़ते हैं। जाओ दोस्त। और सामने दीमक की बामी भी है, हम आजकल दीमक की बामी में ही छोड़ते हैं इन सबको और हम चाहते हैं इधर ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और खूपा रहा है, देखो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। भारी गुस्से में है नागराज। जाइए, और हमने आपको जंगल में छोड़ दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हम चाहते हैं कि ये बम्बी में चल जाए। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ये गया, गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरे दोस्तों हमने जैसा चाहा था वैसा ही हो गया और हमने इसको छोड़ दिया है और मन बड़ा प्रसन्न है, आत्मा गदगद हो रही है क्योंकि आजकल मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये सीधा निकल के बम्बी में चल जाए, बम्बी में ही आजकल सब चल जाते हैं और हम इसलिए छोड़ते हैं इनको बम्बी के अंदर जिससे ये दिशा भ्रमित न हो और ये इधर उधर ना भागे, क्योंकि घबरा के इधर उधर भागते हैं जिससे इनका शिकार होने का पूरा पूरा चांसेस होता है।
क्योंकि वन है ये हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य। यहाँ पर कई तरह के जीव ऐसे हैं जो इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मित्रों, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि इस कुदरत की सृष्टि के अंदर सभी जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबको जीने का बराबर से हक दिया है उस ऊपर वाले ने। और मेरा मानना यही है कि ऐसे जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर रहेंगे और विचरण करते रहेंगे तो हमारी पृथ्वी का संतुलन अच्छा रहेगा, हमारा वातावरण बढ़िया रहेगा, हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मेरा तो हर बार हाथ जोड़ के कहना यही है कि ऐसे जीव जंतुओं को बचाएं और पहल करें आप लोग, और लोगों को समझाएं, लोगों को जागरूक करें, जिससे ये जीव जंतु बच पाए हमारी प्रकृति में, क्योंकि ये विलुप्त की कगार पर है। जहाँ पे भी लोग बाघ देखते हैं तुरंत मार देते हैं। बाकी अब हमारी मुहिम बहुत काम कर रही है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लोग बाघ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं इन जीवों को, और वो हमें बुलाते हैं और इनको मारते नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम तो एक ही बिना पे काम करने वाले आदमी हैं, और मेरी पूरी टीम एक ही बिना पे काम करती है कि जियो और जीने दो, दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए। तो मित्रों, इन्हीं साफ शब्दों के साथ में फिर आपसे रूबरू होंगे, ऐसे ही किसी जीव का संरक्षण करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए, और उन लोगों का डर दूर करते हुए, भय दूर करते हुए, जहाँ पर ये जीव भूले से भटकते हुए आ जाते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। जय जय।